अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये आपके रंग को फेयर करने वाला स्क्रब है, फुल बॉडी स्क्रब है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, स्ट्रॉबेरी फुल बॉडी वाइटिंग स्क्रब है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन करें। अगर आपको मेरे चैनल की कोई रेसिपी या रेमेडी पसंद आती है इसको आगे शेयर जरूर करें। और कमेंट जो मुझे कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए फेसबुक पेज किचन हूर के नाम से। आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो कुकिंग की और ये रेमेडीज की पसंद आती हैं, ठीक है। आगे इसको शेयर भी करिएगा अपनी फैमिली अपने फ्रेंड में। अब चलते हैं जी हम अपनी इस रेमेडी की तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए 2 टीस्पून स्ट्रॉबेरी प्यूरी चाहिए, ठीक है, और 2 टीस्पून इसके अंदर हमें पिसी हुई चीनी चाहिए, ये हो गया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमें कोकोनट ऑयल चाहिए, ठीक है। ये बेहतरीन आपका एक वाइटिंग स्क्रब बन जाएगा, ठीक है। आप इसको बना के फ्रिज में रख लीजिएगा, ठीक है। जब आपने शावर लेना है उस वक्त आप अपने इसको अपने बाथ में ले जाएं और इसको फुल बॉडी आप मसाज करें। ये आपकी बॉडी के ब्लैक पार्ट हैं उनको उनको अच्छे से उस पर मसाज करें और इसके रेगुलर इस्तेमाल में रखिएगा इसको, क्योंकि सीज़न है इस चीज़ का, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ये आपके ब्लैक पार्ट को बहुत जल्दी वाइट कर देगा, आप साफ, ठीक है। तो इसको बनाना हमने किस तरह, ये मेरे पास चीनी है, 2 टीस्पून हमने चीनी लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस 1 टेबलस्पून मैंने कोकोनट ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टीस्पून हमने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी प्योरी डाल दी। ये डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये आपकी बॉडी को, आपके हैंड को, फुट को नरिश करेगा और साथ में वाइटनेस देगा। 10-15 मिनट में आप हो जाएंगे गोरे गोरे इस पैर को, ये जो स्क्रब को लगाने से बेहतरीन स्क्रब है। इस तरह का आपको कंटेनर ले लें, उसमें बना के आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा, ठीक है। इसको बना के दस पंद्रह दिन का आप बना के इसको फ्रिज में रख लें, ठीक है। फिर दोबारा से ताज़ा बना लें और इसको अपने फुल बॉडी के ऊपर मसाज करें, ठीक है। इसको आपने वीक में आप 2-3 दफ़ा इसको स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा स्क्रबिंग करने से फेस पे करने वो हैंड की और फुट की तो अलग बात होती है ना, फेस जो स्किन होती है वो हसास होती है, इस वजह से फेस के ऊपर ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे एक्ने का मसला बन जाता है। तो आप इसको वीक में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप रेगुलर भी इस्तेमाल करें अपने हैंड अपने फुट के ऊपर भी इसको रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन फेस के ऊपर ज़रा आपने थोड़ा 1-2 वीक के बाद आप कर सकते हैं, वीक में 1-2 दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मेरी वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा। मिलते एक नई और डिफरेंट सी रेमेडी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।